फिजिक्स वार्म अप मैच वेरी विल लर्न एवरीथिंग इन जस्ट 60 सेकंड एंड टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन के दो मार्क्स में आता है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम है पता चला, डाई मतलब होता है टू, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वैसे टू। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब एक प्रॉपर डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑरिजिन ले लो तो ये माइनस ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस माइनस ए प्लस है, फिर भी डिस्टेंस आपको टू ही लेना पड़ता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताने वाली क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका फॉर्मुला होता है कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है कूलम इनटू मीटर। नेट चार्ज क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू सेम है, पोलैरिटी डिफरेंट है, इसलिए नेट चार्ज हमेशा इसके ऊपर जीरो का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताना है कि क्यों किसी भी डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। कैसा लगा बच्चों, की वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग 60 सेकंड फिजिक्स वीडियोस के लिए और ट्रिक्स फिजिक्स वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब लगातार के लिए वीडियो में जय हिंद।